कितने प्यारे लग रहे हैं ना बुजुर्ग, माशाल्लाह। वो साफा, वो रुमाल, वो दाढ़ी और चेहरे से टपकता हुआ नूर। मैंने जब ये वीडियो देखा तो मेरा भी दिल खुश हो गया और किसी की ये दो लाइन याद आ गई कि तर दामनी पे शेख हमारी न जा अभी, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। ये एक बुजुर्ग है जो रातों रात अरब में तो क्या पूरी दुनिया में फेमस हो गए। ये बुजुर्ग है कौन, कहां से आए हैं और क्यों इतने वायरल हो गए इतने जल्दी? ऐसी क्या बात है इन बुजुर्गों के अंदर? पूरे अरब में ये बुजुर्ग की वीडियो आजकल ट्रेंडिंग में है। अरब मुल्कों में यानी सऊदी अरब ले लो, यूएई ले लो, या ईरान, इराक, यमन और इंडिया पाकिस्तान में भी इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है और इस पर खूब तबसरे भी हो रहे हैं, क्योंकि इनकी सादगी, इनका लिबास, इनका अंदाज, वो हाथ में आसा, टखनों से ऊपर पैजामा, चेहरे से टपकते नूर ने अरब दुनिया को सहाबा की और सहाबा के जमाने की याद दिला दी। कोई उन्हें सहाबा इकराम से मुशाबे करार दे रहा है तो कोई औलिया इकराम से। कुछ लोगों ने तो दो कदम आगे बढ़कर इन बुजुर्गों को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से भी जोड़ दिया। ये बुजुर्ग मदीने मुनव्वरा में रोजे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में टहल रहे थे और किसी ने उनकी ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और देखते ही देखते ये वीडियो पूरी दुनिया पे छा गई। ये वीडियो अरब मीडिया में और अरब की सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है। मुझे तो लगता है कि इन बुजुर्ग को तो सोशल मीडिया तो समझता भी नहीं होगा और ना ही उनकी नीयत होगी, लेकिन वो मशहूर हो गए, लोग उनको ढूंढने लगे, उनसे मिलने लगे, उनसे बात करने लगे, उनके साथ सेल्फी लेने लगे और यूं ये बुजुर्ग वायरल हो गए। आमतौर पर अरब में हालांकि ऐसी वीडियोस वायरल नहीं होती ना वायरल की जाती, लेकिन इन बुजुर्ग की सादगी, नूरानियत ने अरब दुनिया को मजबूर कर दिया कि उनको देखा जाए, उन पर बात की जाए। तो ये बुजुर्ग है कौन? दरअसल ये बताया जा रहा है, जितनी मालूमात अभी मिली है, मैं आगे और कुछ मालूमात मिलती है तो मैं आगे इन पर और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से है और ये उमरे के लिए आए हुए हैं या आए हुए थे। लेकिन उनकी सादगी और उनका सिर्फ इस्लामी लिबास और उनकी जो सहाबा जैसी और अल्लाह वालों जैसी हैयत की वजह से उनको शोहरत मिल गई, वो मशहूर हो गए। और देखिए उमर के किस पड़ाव में आकर अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और फेमस कर दिया। और सच में ये बुजुर्ग लग भी बहुत प्यारे रहे माशाल्लाह, उनके चेहरे से नूर टपक रहा है। और मैंने जब ये वीडियो देखा तो आप भी देखें कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, मुझे नहीं मालूम हकीकत क्या है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये बुजुर्ग नाबीना है, इन्हें नजर नहीं आता है, ऐसा मुझे लग रहा है वीडियो देखकर। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्या लग रहा है। बहरहाल जो भी हकीकत है वो अल्लाह को मालूम। लोग वायरल होने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते, लेकिन शोहरत सबके कदम नहीं चूमती। बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के बारे में कभी भी तकल्लुफ और फॉर्मेलिटी से काम नहीं लेते थे, बल्कि जो आसानी से मयसर होता था पहन लेते थे, चाहे उस पर पेवंद क्यों न लगे हो। सहाबा इकराम की जिंदगी से भी
उनके लिबास से भी हमें सादगी का ही सबक और दर्स मिलता है। ऐसे लिबास से जो मुतकब्बिराना हो, जिसे पहनकर तकब्बुर आ जाए और आदमी और इंसान दूसरों से खुद को ऊंचा और बरतर महसूस करे, ऐसे लिबासों से बचने का हुक्म है। हाँ, अल्लाह ने दिया है तो अच्छे लिबास भी पहनना चाहिए, लेकिन तकब्बुर नहीं करना चाहिए। और याद रखो, जितनी सादगी जिंदगी में होगी ना, उतनी जिंदगी हल्की फुल्की आपको लगेगी, और जितने तकल्लुफात और फॉर्मेलिटीज से आप काम लेंगे, उतनी जिंदगी अजीरन होती जाएगी। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि फैशन परस्ती आज नहीं तो कल आपको बेहयाई बेपर्दगी की तरफ धकेल देती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इन बुजुर्ग के बारे में जितनी अभी मालूमात मिली है उतनी मैंने आपको बताई है। अगर आगे इनके बारे में और कुछ मालूमात मिलती है और अगर आप भी देखना चाहते हैं, आप कमेंट में बताएं कि आप इन बुजुर्ग के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो हम जरूर इनके बारे में तहकीक करके आने वाला वीडियो इन्हीं के बारे में बनाएंगे। बहरहाल, आज चांद रात है, चांद रात होगी शायद, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 6 बज रहे हैं। अगर आज चांद निकल जाता है तो एडवांस में ही आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।